बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, मटन लेग रोस्ट। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। ये बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये बहुत ही लाइट मसालों में और बहुत ही कम आयल में मैंने इसको बनाया है। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी, बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जैसे एक बड़ी ब्रांड का में जो नान बनती है, सेम उसी तरीके के मुताबिक आप इसको घर में ही बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। बस जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा और जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, बस आपने उसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके ये नान बहुत ही आसानी के साथ आप इसको घर में बना लेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अदद मैंने रान लिया है और इसको अच्छी तरह मैंने वाश करके इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। रान का वज़न तकरीबन 2.5 किलो है। इमली हमें चाहिए होगी 25 ग्राम। लहसुन अदरक का हमें पेस्ट चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। मटन रोस्ट मसाला मैंने लिया है। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने ये मसाला बनाया है, आप भी इसको देख के ये मसाला वहाँ से बना लीजिएगा। नमक इसमें ज़रूरत होगी हमें 2 टेबल स्पून या हसब ज़रूरत। सिरका इसमें मैं इस्तेमाल करूँगा 2 टेबल स्पून वाइट सिरका। रान जो लिया है हमने, इसको आपने थोड़ा सारा गूंद लेना है। गूंदने से ये होगा कि जब चाकू की मदद से करेंगे इसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, यानी कि सुराख हो जाएंगे। तो इससे एक तो ये होगा कि इसमें मसाला बहुत ही आसानी के साथ इसके अंदर तक चला जाएगा, और दूसरा ये कि गलने में ये बहुत ही आसानी के साथ ये गल जाएगी। तो बहुत से लोग इसको कट लगा देते हैं। कट लगाने से ये होता है कि उसमें मसाला तो अंदर तक चला जाता है, लेकिन वो जब हम इसको पकाते हैं तो ये टूट जाती है, यानी कि रान अपनी शक्ल खो देती है। तो इस तरह करने से आपकी जो इसकी रान है वो सेम साबित रहेगी और मसाला भी अंदर तक बहुत अंदर तक चला जाएगा। फिर आपने इसका जोड़ जो है वो आपने खोल देना है। जोड़ खोलने से ये होगा, एक तो इसके मसल्स टूट जाएंगे और उसको पकने में आसानी होगी और मसाला भी अच्छी तरह अंदर इसमें चला जाएगा और हो जाएगा। और इसको जब हम पकाएंगे बर्तन के अंदर तो ये फोल्ड भी हो जाएगी और आसानी के साथ आपकी ये पक भी जाएगी। ये बहुत ही आसान स्टेप है। आप इसको जब अगर आपसे ये स्टेप नहीं हो सकता तो आप कसाई के साथ बहुत आसानी के साथ उसको कह दीजिएगा, तो वो ये स्टेप आपका वो कर देगा। ये देख लें, हमारी बहुत आसानी के साथ ये फोल्ड हो रही है। आपने इस पीस को अलहदा नहीं करना, सिर्फ इसके जोड़ को थोड़ा सा हमने खोलना है। ये देख ले, बस हल्का सारा कट लगाएंगे तो इसका जोड़ थोड़ा खुल जाएगा ताकि ये आसानी के साथ फोल्ड हो जाएगी। फिर जो सिरका हमने लिया था वो सिरका आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। 2 टेबलस्पून हमने सिरका लिया था, 1 टेबलस्पून आप ऊपर ऐड कर दीजिए और एक टेबलस्पून आप इसके नीचे ऐड करके अच्छी तरह आपने इसके ऊपर ये सिरका लगा देना है। फिर लहसुन अदरक का जो हमने पेस्ट लिया था 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून आप ऊपर की साइड और 1 टेबलस्पून आपने नीचे की साइड पे इसका ये ऐड कर देना है, और अच्छी तरह आपने इसका सारे के सारा आपने इसको इसकी फीलिंग इसके साथ कर देनी है, ताकि जो मसाम भी है उसके अंदर भी हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाए। ये बहुत ही आसान और बहुत ही स्पेशल तरीका है, और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। आप इसको बहुत गौर से फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। नमक फिर इसके ऊपर आपने, जो नमक हमने 2 टेबल स्पून लिया था, और नमक भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। दोनों साइड के ऊपर 1 टेबल स्पून ऊपर और 1 टेबल स्पून नीचे ऐड करके आपने इसको अभी मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। ये देख ले, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी इसके ऊपर जो हमने मटन रोस्ट मसाला जो लिया था, जो इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, आपने वहाँ से इसको फॉलो करके वो भी मसाला भी खुद ही बना लेना है। ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार मसाला है, इससे इसका जायका और खुशबू और रगत बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो ये मसाला 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने इसके ऊपर इसकी भी कोटिंग कर देनी है। जितना अच्छा हमारा मसाला लगेगा, हमारे रान का जायका उतना ही ज़बरदस्त आएगा और मसाला भी अंदर तक, गोश्त के अंदर तक रस बस जाएगा। तो ये फिर इसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 6 घंटे आपने इसको रख देना है। आप फ्रिज में रख दीजिए या बाहर रख दीजिए, या मौसम के हिसाब से आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक पैन ले लीजिए और पैन के अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है। तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर आपने बस ये रान को आराम के साथ, इस पर ऑयल जब हल्का सारा गर्म हो जाए तो आपने ये रान इसके अंदर रख देनी है, और जो इमली हमने ली थी वो इमली आपने इसके अंदर डाल देनी है, यानी कि थोड़े से ऐड कर देनी है।
तो अगर आप इसको 24 घंटे के लिए खाली फ्रिज में रख देंगे तो उससे इससे अब मैरिनेट बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। फिर आपने इसको कवर लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने एक सेट इसको पका लेना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। जो दम वाली आंच हम रखते हैं चावल दम पे डालने के लिए, सेम वही आंच आपने रख के इसको आधे घंटे के लिए आपने पका लेना है। ये देख ले तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमारी तो एक सेट से ये नान अच्छी तरह गल चुकी है। तो बस आपने इसको सिर्फ इसका साइड आपने चेंज करना है, बहुत आराम के साथ आप इसका साइड चेंज कर दीजिए और इसके ऊपर दोबारा आपने कवर लगा कर आधे घंटे के लिए आपने इसको फिर रख देना है। आपने इसके साथ कुछ नहीं करना और इसको बार बार नहीं खोलना। ये फिर देख लें हमारा आधा घंटा हो चुका है, हमने इसको दोबारा ओपन किया है और ये हमारी नान बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त, ना आपको इसको फ्राई करने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसको कुछ और करने की ज़रूरत है। ये अंदर तक आपकी ये गल चुकी है और बहुत ही इसका जायका और खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो आपने बस इसको अभी आपकी रान ये बिल्कुल तैयार है और आपने अभी इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें हमने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही गज़ाइत से भरपूर और बहुत इसका रंगत और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो आपने इसको बस सेम मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही आसान तरीके के साथ आप इसको घर में ही बना सकते हैं। आप 2 किलो की रान, 3 किलो की, 4 किलो की रान, जितनी भी बड़ी रान हो, बस उसकी जितना बड़ा ज़्यादा वजनी होगी रान तो उसके लिए टाइमिंग थोड़ी सारी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन तरीका आपका सेम यही रहेगा और यह बहुत ही आसानी के साथ आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। ये देख लें हम इसको कट लगा के भी बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह गल चुकी है और अंदर तक इसका मसाला जा चुका है। ये बहुत ही आसानी के साथ, ये देखें सिर्फ इसको हल्का सा आप कट लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसके स्टेप खुलना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ मैंने आपको बताया है। अभी आपको ये अपनी कोई भी रान बाज़ार से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी के साथ इसी मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये रान बन जाएगी। तो ये रेसिपी के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगी। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।